गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स चलो फिर एक बार ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंफर्म कर दो भाई ऑडियो वीडियो ऑल गुड ऑल गुड टू गो ऑनलाइन स्टूडेंट्स यस करें स्टार्ट तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में We have completed up to point number 76 in correlation and regression. So yes, point number 77 onwards. Let's continue. Given the following equations, <clears throat> 2x minus 3y is equal to 10. And 3x minus 4. 3x plus 4y is equal to 15. Which of the following is regression line of x on y? So I think गलत होने का चांस है क्योंकि देखते हैं अपन इसमें से एक 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 है है के तो 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 मिनट लिए मान लो कि पहला क्या तो क्या आएगा बोलो। टेन प्लस थ्री नहीं पे। तो क्या आएगा बोलो नहीं मतलब कितना प्लस थ्री तो अगर ऐसा है तो बी एक्स बाई टू मतलब And बताओ दूसरा इक्वेशन y ऑन x है तो क्या आएगा बोलो फोर वाई इज इक्वल टू फिफ्टीन माइनस थ्री एक्स थ्री एक्स न तो बोलो वाई इज इक्वल टू क्या है माइनस थ्री बाय फोर इट इज माइनस जीरो पॉइंट सेवन फाइव क्या दिस इज रॉन्ग क्यों बच्चों दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या दोनों नेगेटिव

ये दो रिग्रेशन इक्वेशन हो ही नहीं सकते समझा क्या क्लियर नेक्स्ट टू रिग्रेशन ओके समझा क्या ऑफ सॉरी ऑफ वाई ये क्वेश्चन है बच्चों बट सस्पेंस क्या रखा है उन्होंने दो इक्वेशन दिए बट क्या सस्पेंस रखा है कौन सा एक्स ऑन वाय और कौन सा

मतलब -1.25 तो पहले वालों को आपने क्या अजूम किया है x on y तो दूसरा वाला क्या रहेगा y on x तो वो y on x क्या है बताओ आप दूसरा बोलो 5y is equal to 12 minus 16x तो y is equal to बोलो 12 by 5 minus 16 by 5 into x तो इससे आप बताओ b by x कितना रहे -16 by 5 मतलब इज इस इसे -3.20 कैन आई से this is not सिबल दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि देखो बीवा दोनों नेगेटिव है बच्चों बट दोनों का प्रोडक्ट वन से ज्यादा है नहीं समझा जो इम्पॉसिबल है इसका मतलब मैंने आपको पूछा था ना कि कौन सा वाई ऑन एक्स और कौन सा एक्स ऑन वाई बताओ तो आपने जो बताया था मुझे वो गलत था समझा या नहीं तो क्या सही था उसके अपोजिट नहीं समझा आपको तो आप बताओ पहला वाला इक्वेशन क्या रहेगा फिर बोलो

एंड सेकंड वाला इक्वेशन क्या रहेगा बच्चो? X on y रहेगा बच्चों ना तो आंसर होता है माइनस जीरो पॉइंट थ्री वन टू फाइव कितने लोगों को समझाई समझ रहे हो क्या बच्चों

कौन से ऑप्शन को टिक करो ऑप्शन बी था मेरे भाई हो गया कंफर्टेबल इसमें पहले हमने ये जो आया था क्या हैज़ रिजल्टेड इनटू एन एरर ट्रायल एंड एरर क्यों बोलते मेथड को समझा ना दिस ट्रायल हैज़ रिजल्टेड इनटू एन एरर देयरफॉर वी वेंट फॉर वन मोर ट्रायल तो बोलते है, सही है. पहला ट्रायल में एरर क्यों आए समझा क्या क्योंकि बीवाई एक्स एंड बी एक्स वाई भले ही दोनों नेगेटिव थे बच्चों बट दोनों का प्रोडक्ट वॉज मोर वन करेक्ट और क्या आप देखते हो बच्चों यहाँ पे तो बीवाई का प्रोडक्ट इज नो विच इज इम्पॉसिबल क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो है लेकिन चाहिए अपने को तो ये जो किया था पहले गलत था फिर हमने उसको सही कर दिया फिर तो जिस जो इक्वेशन को पहले माने थे, थे बट अपने भाई सिंपल है ये दो चीजें हैं एक समझो ट्यूबलाइट का बटन है और एक फैन का बटन है अपने को पता नहीं है तो अपन क्या करके देखते एक, एक ट्राई भी किया तो बस है बट यहां पे क्या करेक्ट है क्या नहीं इसलिए दोनों करके आर करना पड़ेगा ना

प्रॉफिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी एंड नंबर ऑफ क्लेम्स अब कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कोई तो दो चीजें देंगे आपको और बोलेंगे कि भाई इसमें है या निगेटिव। तो आपको देखना है कि एक बढ़ा के देखने का दूसरा भी अगर बढ़ा पॉजिटिव दोनों कम हो रहे हैं पॉजिटिव एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है निगेटिव एक कम हो रहा है दूसरा बढ़ रहा है निगेटिव क्या आ रहा है ना भाई yes, हाँ चलो प्रॉफिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी एंड नंबर ऑफ क्लेम्स क्लेम्स बढ़ेंगे तो प्रॉफिट कम होगा क्लेम्स बढ़ेंगे समझता है ना तो प्रॉफिट कम होगा तो कोरिलेशन इज नेगेटिव नेक्स्ट डिमांड फॉर द गुड्स एंड दे प्राइस अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होता है बोलो नेगेटिव नेक्स्ट इयर्स ऑफ एजुकेशन एंड इनकम जनरली पॉजिटिव ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी थोड़ा ज्यादा कमाता है कंपेरिटिवली है नहीं अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड ऑफ क्रॉप पॉजिटिव वैसे इसको एकदम ऐसा माइंड सेट थोड़ा ठीक रखने का बच्चों ऐसे मैं बोले, बहुत ज्यादा हुआ तो इतना ऐसे नहीं जाने का सोचने का समझा या नहीं सेल ऑफ उलैन गारमेंट एंड टेम्परेचर गारमेंट लाइक स्वेटर एंड ऑल तो आप बताओ टेम्परेचर बढ़ेगा तो उलन गारमेंट का सेल कम होगा टेम्परेचर कम होगा तो उल्टा स्वेटर वगैरह खरीदेंगे ना लोग तो इट इज निगेटिव तो बताओ इस टाइप का और कुछ क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप कर पाओगे क्या आप ऐसा क्वेश्चन पूछा था स्पीड ऑफ द व्हीकल स्पीड ऑफ द अप्लाइंग ब्रेक मतलब ब्रेक दबाने के बाद भी गाड़ी आगे जाती है ना थोड़ी अपनी समझा क्या इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक तो पॉजिटिव कोरिलेशन रहेगा या नेगेटिव पॉजिटिव तुम जितना ज्यादा स्पीड में रहोगे ब्रेक दबाने के बाद

तो सीधी सी बात है गाड़ी तो आ गया ही सेम से टू व्हीलर पे अपन बोलते ना कि दोनों ब्रेक साथ में दबाओ टू व्हीलर पे अगर सिर्फ आप सिर्फ लेफ्ट ब्रेक दबाओगे तो पीछे का टायर रुक जाएगा तो गाड़ी स्कीड होती है रीजन क्या है पीछे का टायर दबा लिया तुमने तो सामने का भी टायर घूम रहा था ना उसको तो तुमने रोका ही नहीं तो पीछे का टायर रुक गया सामने वाले का मोशन कौन बंद करेगा तो फिर क्या हो रहा है पीछे का टायर को तुम्हारा ब्रेक हिलने नहीं दे रहा है सामने का टायर रुक नहीं रहा है गाड़ी पीछे से ऐसे सामने आएगी, दबाएंगे तो गाड़ी थोड़ा और स्टेबल तरीके से बंद होती है टू व्हीलर की बात कर रहा हूं मैं समझा या नहीं फोर व्हीलर में भी पीछे के फोर व्हीलर में भी ऑब्वियसली कोई को गाड़ी पे आपने दिखा रहेगा फोर बाय फोर तो वो चारों टायर पे ब्रेक अप्लाई होता है समझाया आपको

अब बताओ इंस्टिट्यूट ने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तुम ये बोल सकते हो कि ये कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है कॉमन तो सेंस है सिर्फ टीचर क्या बताएगा भाई एंड कुछ तो दो रहेगा दिया हुआ बराबर है आपको चेक करना है कि बड़ा तो वाई बढ़ता है क्या अगर ऐसा रहा तो पॉजिटिव दोनों कम हो रहे तो भी पॉजिटिव एक कम हुआ दूसरा भी कम हो रहा है पॉजिटिव बट अगर एक बढ़े दूसरा कम हो निगेटिव एक कम हो दूसरा बट जैसे यहाँ पे टेम्परेचर कम हो वुलन गारमेंट बढ़ेगा अब टेम्परेचर आगे धीरे 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 अभी देखो पचास डिग्री तक जाएगा तो ओडन गारमेंट का सेल कम होगा करेक्ट और नॉट आज की डेट में जाके देखो अभी समर चल रहा है ऑलमोस्ट अभी थर्टी फाइव डिग्री फोर्टी डिग्री टेम्परेचर है आप कोई स्वेटर लेने की सोच रहा है क्या बहुत कम करेक्ट और नॉट इनफैक्ट जो स्वेटर है अपना उसको देखने की इच्छा नहीं होगी आपकी करेक्ट और नॉट बट आज डेफिनेटली आप ए सी कूलर फ्रिज इसके बारे में सोच रहे हो कि नहीं तुम्हारे घर में ए नहीं है तुम्हें एक सेकंड के लिए लगा होगा कि अरे यार ये ए होता तो बेटर होता ये और नो राइट तो कहीं ना कहीं एयर कंडीशनर का डिमांड ज्यादा रहेगा क्योंकि टेम्परेचर से वो को फॉर द वेरिएबल बाय डेटा एक्स एंड वाई की वैल्यूज बोलो एक्स की वैल्यूज क्या दिए उन्होंने ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू वाई की वैल्यूज क्या है फाइव फोर थ्री बोलो ऐसे ये तो 25, मतलब एक्स वाई की वैल्यू है ना वो नहीं समझा जब एक्स ट्वेंटी है तो वाई फाइव है एक्स ट्वेंटी हुआ Y4 हुआ X22 हुआ Y3 हुआ समझा क्या बताओ क्या को रिलेशन है वैसे सॉल्व करके आंसर दे सकते हैं अपन कॉमन सेंस से आंसर देंगे तो इट इज माइनस वन क्यों माइनस वन बच्चो देखो x बढ़ रहा है y उसी स्पीड से कम हो रहा है नहीं समझा आपको पक्का बच्चों बचोज so माइनस वन सॉल्व करे हो गए तो भी आंसर आएगा बराबर आर दिया हुआ है कोवेरियंस दिया है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ऑफ ऑफ दिया कैन आई से इट इज स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड बेसिक क्वेश्चन बोलो क्या फॉर्मूला है आर का जल्दी बताओ को वेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई बोलो आर कितना है पॉइंट फोर एट को वेरियंस कितना है थर्टी सिक्स स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स कितना है सिक्सटीन एंड इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई तो बोलो देयरफॉर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ क्या आंसर है बोलो थर्टी सिक्स ये डिवाइड बाई 0.48 आंसर इज नन ऑफ दिस क्या, is, none of these. क्या mistake किया कहीं पे हमने कोई चांस नहीं है दिस इज द बेसिक फॉर्मूला करेक्ट और नॉट कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड ऑफ़ एक्स स्टैंडर्ड स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई सही है क्या बच्चों किसका फॉर्मूला था ये कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट आर दिया हुआ है, है? है? चलेगा क्या आर इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई आर कितना है बताओ जरा जीरो पॉइंट फाइव टू वो वेरियंस कितना बता दो सेवन पॉइंट एट जीरो स्टैंडर्ड एक्स कितना बता दो फोर फोर एक्स है 16 था, तो स्टैंडर्ड तो फोर ही हुआ ना भाई स्टैंडर्ड स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई इज सेवन पॉइंट एट जीरो इन टू होगा इधर तो सेवन पॉइंट एट डिवाइडेड बाय फोर डिंट फाइव टू आंसर इज थ्री पॉइंट सेवन फाइव करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी क्या बच्चों ये अब हो गया कंफर्टेबल इसमें नेक्स्ट आर इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर जीरो नॉन डिटर्मिनेशन आर तो बोलो कोइफिशंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या फॉर्मला है कोई डिटर्मिनेशन का आर स्क्वेयर टोटल टेल मी इट पॉइंट फोर जीरो का स्क्वायर विद आंसर इज पॉइंट वन सिक्स एंड कोइफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन कोइफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन टेल मी इज इट वन माइनस आर स्क्वायर टेल मी इज इट वन माइनस जीरो पॉइंट वन सिक्स आंसर इज पॉइंट एट फोर आंसर इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 0.16 वन सिक्स एंड पॉइंट टफ था बच्चों ये सिंपल कोरिलेशन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज लीनियर कोरिलेशन याद रखो नेक्स्ट स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाइज ओके अच्छा आपको याद है क्या फॉर्मूला स्लोप ऑफ एनी इक्वेशन मुझे बता स्लोप ऑफ पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इज इक्वल टू जीरो क्या आता है माइनस पी बाई क्यू याद है आपको स्लोप ऑफ ए एक्स प्लस इज उन्होंने क्या बोला है स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई तो आप मुझे बताओ रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स बार वाई बार ये नंबर रहेंगे बट एक्स एंड वाई वेरिएबल्स है ना तो बोलो इज इट एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू आई माइनस बी एक्स वाई इंटू आई बार नहीं समझा बी एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो आप बताओ इज इट एक्स माइनस बी एक्स वाई इंटू इज इक्वल टू एक्स बार माइनस एक्स बार माइनस क्या रहेगा बोलो बी एक्स वाई इंटू वाई बार नहीं समझा आपको अच्छा बताओ वेदर दिस कम इन द्लस बी वाई

तो आंसर so क्या रहेगा? बोलो बेसिक फॉर्मूला यूज किया ना यार स्लोप ऑफ द लाइन का फॉर्मूला था माइनस ए बाई बी तो ये इक्वेशन लाया वही फॉर्मूला यूज किया सही है मैंने बॉक्स में पहले क्या लिख दिया था आपको इसलिए तो लिख दिया था ना फिर पहले भी पढ़ाया क्या कभी हो पढ़ाया कि नहीं होता है वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इन टू एक्स माइनस एक्स बार तो ये वाई एज इट इज माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इन टू एक्स माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार ये y को उधर भेज दो बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स बार माइनस वाई बार साइड चेंज किया मैंने सिर्फ समझा क्या आपको टेल मी ये इक्वेशन क्या आ रहा है फाइनली बोलो बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन वाई इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स बार माइनस वाई बार राइट हैंड साइड में जो है वो तो कॉन्स्टेंट है बच्चो यस और नो तो बोलो स्लोप का फॉर्मूला यूज करो माइनस ए वाई बी बोलो माइनस ए कितना है बता दो बीवाई एक्स एंड बी कितना है माइनस वन तो आंसर क्या रहेगा बी वाई एक्स बीवाई एक्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ऑप्शन बी बीवाई एक्स इज द स्लोप रट्टा मार के नहीं होता याद बच्चों सॉल्व ही करना पड़ता है है कि नहीं पहले क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट bxy नहीं था 1/bxy था बट इसका आंसर byx आया डायरेक्ट दिस इज द स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x सही है बच्चों नेक्स्ट rxy ryx करेक्ट और रॉन्ग करेक्ट अरे r मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट लिखो सही नीचे कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक्टर बिटवीन एक्स एंड वाई ये सो नो फोरिलेशन कोइफिशियंट बिट्वीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू पोरिलेशन कोइफिशियंट बिटवीन वाई एंड एक्स नहीं समझाइएगा इज इक्वल टू पोरिलेशन कोइफिशियंट बिट्वीन वाय एंड एक्स तो बिटवीन एक्स एंड वाई बोलो या बिटवीन वाय एंड एक्स बोलो कोई फर्क पड़ता है क्या आप बता यही अगर उसने ऐसा बोला होता तो सही था क्या वो तो गलत है रिग्रेशन को बट कोरिलेशन को समझाना होता है वो बिटवीन वाई एंड x है तो बिटवीन y एंड x बोलो या बिटवीन x एंड y बोलो इट्स बी वाई एक्स इज सेम एज बी एक्स वाई रॉन्ग क्योंकि रिग्रेशन को ये कंसेप्ट अलग है एस और नो नेक्स्ट को वेरियंस मेजर वेरिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स क्या वेरिएशन ज्वाइंट क्योंकि ऑफ ऑफ एक्स एक्स एंड एंड वाई होता है कभी ऐसा कभी सुना नहीं रहेगा आपने को वेरियंस क्या होता है हमेशा दो वेरिएबल्स का होता है एस और नो बट वेरियंस तो एक ही वेरियंस ऑफ एक्स उसका भी फॉर्मूला है अपने पास है या नहीं कुछ ज्यादा क्या दिमाग में

खुद के साथ का वेरिएंस था ये समझा क्या आप बताओ ये जो लिखा है मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूं और एक बार लिख दिया दिख रहा है क्या आपको ये? मुझे बताओ ये जो समेशन ऑफ एक्स है ना बच्चों इसको मैं समेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स लिखा तो प्रॉब्लम है कुछ एंड ये एक्स बार का स्क्वेर जो है इसको प्रॉब्लम है क्या अब बोलो ये वेरियंस ऑफ एक्स एंड एक्स था तो तो ये ऑफ एंड कर दिया तो क्या होगा बताओ समीशन ऑफ एक्स इन टू वाई समझा क्या बार बार एंड ये देखिए कुछ फीलिंग आए क्या आपको किसका फॉर्मूला ये को वेरियंस काल्पन नहीं भाई ये फॉर्मूला को वेरियंस का है तो इसको बोलते हो को वेरियंस को समझा क्या क्या बोलते हो इसको को वेरियंस

बाद में मेरा आंसर चेक कर लेना आप, आपने चेक कर लिया मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं जिंदगी में कुछ कर पा रहा हूँ को वेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिशन ऑफ वाई ऐसा कुछ फॉर्मूला है किसका फॉर्मूला ये कार्ल पियर्सन्स अच्छा और कोई फॉर्मूला है क्या क्या है बताओ जरा ये को वेरियंस का फॉर्मूला बताओ क्या है समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय स्मॉल एन माइनस एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स बाय स्मॉल एन माइनस एक्स बार का स्क्वेयर इंटू अंडर रूट समेशन ऑफ वाई स्क्वेयर डिवाइड बाय स्मॉल एन माइनस वाई बार का स्क्वायर। सही है बच्चों ऐसा कोई फॉर्मूला है अच्छा आपको ऐसा भी कुछ फॉर्मूला याद आता रहेगा को वेरियंस का एक फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाई बाय स्मॉल एन करेंगे तो क्या आता है को वेरियंस आता है कि नहीं बट मैं डिवाई बाय एन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं नीचे क्या लिखूंगा डिवाई बाय अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अंडर रूट समेशन स्क्वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर नीचे भी देखो दो बार डिवाई बाय एन डिवाई बाय मैंने छोड़ दिया स्क्वायर रूट का अंदर मतलब वो नीचे का बीच डिवाइड बाई एन कैंसिल हो गया ये भी फॉर्मूला है समझा क्या बच्चों किसका फॉर्मूला है इसको समझा क्या आप आप ऐसे याद रख सकते हो समेशन ऑफ कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई डिवाइड बाई अंडर ऑफ कैपिटल एक्सक्र इंटू अंडर कैपिटल एक्स इज एक्स माइनस एक्स बार कैपिटल वाई इज वाई माइनस वाई बार कुछ कभी इसके पहले पढ़ाई की है तो डेफिनेटली मैं क्या बोल रहा हूँ समझेगा ऐसा कुछ फॉर्मूला है क्या भाई चलो स्पियरमन कोईफिशंट ये बच्चों दो फॉर्मूले बताओगे क्या यहाँ पे आप हाँ चलो बता पहला विदाउट टाइम वाला बताओ वन माइनस सिक्स समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इंटू एन स्क्वेयर माइनस वन सही है ये किसके लिए था विदाउट टाई एंड विद टाई वाला भी उधर लिख देना जहां पे जगह मिले उधर फॉर्मूला लिख देना लिखोगे क्या वन माइनस ब्रैकेट में समेशन ऑफ डी स्क्वेयर प्लस समेशन ऑफ टी क्यूब माइनस टी डिवाइडेड बाय ट्वेल्व सही है बच्चों एंड ये माइनस वन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस वन डू यू एग्री माय फ्रेंड्स वन माइनस दिस ये जो फॉर्मूला है ऑब्वियसली किसका है विथ विथ टाई का ये फॉर्मूला है चलो बोलो कोई कंकरेंट डिविएशन का भी फॉर्मूला बताओ प्लस और माइनस अंडर रूट प्लस और माइनस टू सी माइनस एम डिवाइडेड बाय एम टू सी माइनस एम डिवाइडेड बाय एम वेयर वेयर सी इज नंबर ऑफ कंकरेंट डिविएशन मतलब नंबर ऑफ

बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई करेंगे तो 1.20 पॉइंट टू जीरो इंटू पॉइंट नाइन जीरो है क्या मी इज इट वन पॉइंट जीरो एट नो एंड ये जो होता है वो आर स्क्वेयर होता है डू यू एग्री और नॉट तो आप बताओ इज इट रॉन्ग डेटा इट इज रॉन्ग डेटा एज क्यू लेकिन आपको पसंद नहीं इसलिए क्या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर जो होता है वो वन होता है इधर आंसर आया हुआ ना फिर दिया 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 है 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 अब बताओ यार कुछ दम है क्या होता है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ ये जो ऑप्शन प्रिंट है, वो गलत है बच्चों ऑप्शन किसी ऊपर के क्वेश्चन के गलत प्रिंट हुए अपने को regression equation of y on X लाना है बस तो बोलो क्या वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार कितना है कितना है थर्टी टेल मी इज इट वाई माइनस नाइनटी इज इक्वल टू पॉइंट सेवन फाइव इंटू फाइव डिवाइड बाई एट इसका आंसर माइनस जीरो पॉइंट फोर सिक्स एट सेवन फाइव एक्स प्लस फोर्टीन पॉइंट जीरो सिक्स टू फाइव सही है क्या तो बोलो रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स क्या टू वन जीरो जीरो सिक्स टू फाइव माइनस जीरो पॉइंट फोर सिक्स एट सेवन फाइव एक्स समझा क्या मी वेदर दिस इज रिग्रेशन लाइन ऑफ

आंसर इज ऑप्शन ए नेक्स्ट डैश इज ऑल्सो नोन एज मेजर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएशन कोरिलेशन को मेजर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स दोनों वेरिएबल्स का एसोसिएशन कोरिलेशन ही बाइन करता है ना डैश इज द बेस्ट मेथड टू ऑप्टेन कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स कार्ल पियरसन प्रोडक्ट मूमेंट प्रोडक्ट बोलो कोरिलेशन मूमेंट सही है बच्चों एक बार जैसे यहां पे थोड़ी जगह है आप मुझे को वेरियंट ऑफ एक्स एंड वाई के दोनों फॉर्मूले साथ में लिख के दिखाओ बच्चों को वेरियंट ऑफ एक्स एंड वाई के पहला बेसिक फॉर्मूला जो अपन ज्यादा बार यूज करते हैं वो क्या है समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्मॉल है माइनस एक्स बार वाई बार

तो लेट अस ब्रिंग दिस इन द फॉर्म ऑफ आई ए प्लस बी एक्स तो चलो करो एट वाई माइनस थर्टीन वाई कितना आता है माइनस फाइव वाई इजिकल टू वन जीरो थ्री एंड थ्री एक्स को इधर उधर भेज दो इज इट माइनस सिक्सटी सिक्स एक्स दोनों साइड को माइनस फाइव से डिवाइड करो तो वाई इज इक्वल टू वन कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ रहेगा तो बताओ मुझे

तो एक्स को इधर लेके आओ सब सिक्सटी थ्री एक्स माइनस नाइनटी थ्री एक्स सॉरी है क्या तो एक्स इज इक्वल टू तो, बोलो माइनस एटी थ्री बाय सेवनटी सेवन प्लस ट्वेंटी बाय सेवन सेवन वायर फोर बोलो बी एक्स वायल ट्वेंटी बाय सेवेंटी सेवन बी एक्सवाय का आंसर है ट्वेंटी बाय सेवनटी सेवन ये बी एक्स वाई का आंसर है बच्चों सही है क्या ट्वेंटी बाय सेवेंटी सेवन एनी डाउट माई फ्रेंड्स समझा क्या सबको ये पक्का क्स्ट दिया नाइन आर दिया है, BYX दिया, है? R दिया, है BYX दिया है दिख रहा है क्या आर दिया है BYX दिया है आपको पूछा है भाई करेंगे क्या सॉल्व क्या आंसर है आया क्या आंसर ये रॉन्ग डेटा क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हो आर स्क्वेर इज इक्वल टू एक्स बी एक्स वाई टोटल मी माइनस जीरो पॉइंट सिक्स थ्री एट वन टू का स्क्वेयर इज इक्वल टू बी वाई एक्स कितना है बोलो माइनस वन पॉइंट थ्री सिक्स एट टू टू इंटू बी एक्स वाई सही है बच्चों तो पॉइंट सिक्स थ्री एट वन टू का स्क्वेयर कर लो जो भी आया डिवाइड बाय वन पॉइंट थ्री सिक्स एट टू टू क्या आंसर है बताओ माइनस जीरो पॉइंट टू नाइन सेवन सिक्स वन जीरो एट सिक्स टू फाइव एट यू एग्री माई फ्रेंड्स कोरिलेशन बिटवीन टेम्परेचर ऑफ सिटी एंड सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक तो समझो एक्स जो है वो ऑफ सिटी है है समझ रहे हो क्या एंड वाई जो ना वो सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक है सही है क्या अब एक काम करो मुझे बताओ टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोल्ड ड्रिंक का सेल बढ़ेगा क्या टेम्परेचर बढ़ेगा तो मतलब और चालीस डिग्री पैंतालीस डिग्री पचास पचपन तो लोग कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करेंगे और टेम्परेचर कम होगा तो लोग कोल्ड ड्रिंक कम पियेंगे उल्टा चाय कॉफी ज्यादा हो पियेंगे ये और नो तो ये देखते हुए आपको क्या लग रहा है कोरिलेशन क्या है पॉजिटिव है या निगेटिव है पॉजिटिव इट्स अ पॉजिटिव कोरिलेशन इट इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन समझा क्या बच्चों एनी डाउट So दिस इज correlation एंड रिग्रेशन मजा आएगा चैप्टर में चलेगा जस्ट हम कंटिन्यू करेंगे बट जस्ट फॉर लेक्चर पर्पज क्या होगा ब्रेक हो गया अगला लेक्चर चालू हो जाएगा तो यहाँ पे बाद में जो भी यूट्यूब पे करा है उसके लिए आसान रहेगा ओके जस्ट एक फॉर्मेलिटी से एक फाइव मिनट्स का ब्रेक लेते एंड ताकि अगला लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा ठीक है जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं बस ये बंद करो वीडियो पांच मिनट के बाद यहाँ पे वापस आ जाओ चलेगा बच्चो एंड बस वन आवर का लेक्चर लेंगे प्रोबेबिलिटी का चलेगा क्या है क्या मूड आज? एनर्जी है अभी तक प्रोबेबिलिटी वन आवर का लिख लेंगे चलेगा बच्चों यस थैंक यू सो मच